वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग बात करते हैं मानव पोषण में पाचन की। तो पाचन में मैंने आपको जितने भी पाचन तंत्र से संबंधित अंग थे उनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव जानकारी दे दी है। चलिए आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले होता है, इसे हम ये भी कह सकते हैं पाचक की क्रियाविधि या पाचन की क्रियाविधि। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, अंतःग्रहण। भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण, अर्थात भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, अथवा बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों को अनेक विधियों से ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अर्थात जब हम भोज्य पदार्थ को हाथ से निवाला बनाकर मुख में डालते हैं तो मुख में डालने की प्रक्रिया क्या है, ये अंतर्ग्रहण है। ठीक है, अभी अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होता है और भिन्न भिन्न जीवों में कई प्रकार से होता है। जैसे अगर एक कोश के अंतर्ग्रहण की बात करें, एक कोष के जीवों में, तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख नहीं होता है, वे जल के साथ आए भोजन के कणों को अपनी सतह पर चिपकाकर ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा आदि। बहुकोशिकी जीवों में क्या होता है कि इनमें मुख होता है, ये जीव सर्वप्रथम भोजन को मुख तक लाते हैं, जैसे हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा, मेढक द्विशाखित जीवों द्वारा, पक्षी चोंच द्वारा मानव मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात मुख में भोजन को चबाकर उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण। बात करेंगे पाचन की, किसकी पाचन की बात करेंगे, तो दूसरा पहला अंतर्ग्रहण, फिर उसका क्या होता है, पहला क्या है आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है बच्चों, पाचन, डाइजेशन। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है। देखिए जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं या तो वो ठोस होगा या तो तरल अवस्था में होगा, तथा जल में ये अविलेय होता है। इन पोषक पदार्थों को संपूर्ण शरीर में संचरित करने हेतु विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलेय अवस्था में लाया जाता है। अतः जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों बदलने क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहलाते हैं। जैसे जब हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये जो भी कुछ खाते हैं ये सभी क्या है, अघुलनशील। क्या होते हैं, अघुलनशील, अर्थात ये पानी में घुलते नहीं है। जब पानी में नहीं घुलेंगे बच्चों तो हमारे कोशिकाओं द्वारा क्या होंगे, अवशोषित होंगे, हमारे कोशिकाओं द्वारा अवशोषित ये नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसे मुख में लाकर दांत से चबा चबा कर इसका क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। इसे छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में, छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है जिससे इनका पाचन आसानी से हो सके, अर्थात जिससे इनका क्या हो जाए, पोषण अवशोषण आसानी से हो सके और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सके। अब मुख में जो भोज्य पदार्थ आया है उसका जो पाचन होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक होगा यांत्रिक या भौतिक विधि से पाचन, मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन, और दूसरा होता है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। तो देखिए मैकेनिकल क्या होता है, इसमें भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन को लुगदी बनाना, है ना, मतलब मुंह में लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति, पेशी संकुचन के कारण भोजन को आगे खिसकाना, ये सब सम्मिलित होते हैं किसमें, भौतिक पाचन में। इसके बाद हम लोग देखिए बात करेंगे क्रमानुकुंचन होता क्या है। देखिए बच्चों क्रमानुकुंचन एक इस प्रकार की गति होती है जिसमें भोज्य पदार्थ हमारे आहार नाल, जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, उस ग्रास नली में नीचे की ओर ही जाएगा, ऊपर की ओर नहीं आएगा। पढ़ लेते हैं इसको कि क्रमानुकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया है के रूप में होती है, या पाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है जो भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने हेतु आवश्यक है। आहार नाल की दीवार पर पेशियां होती हैं जिसके क्रमानुसार संकुचन करने के से तरंग का तरंग की तरह यह गति उत्पन्न करती है जो भोजन को विभिन्न अवयवों भोजन के विभिन्न अवयवों को आहार नाल, जैसे भोजन को ग्रास नली से पेट में ले जाने हैं तो पेट से भोजन को छोटी आंत में ले जाने हैं तथा वहां से बड़ी आंत में फिर कोलन तथा वहां से गुदा तक ले जाने में इसकी आवश्यकता होती है। तो क्रमानुकुंचन गति जो होती है ये हमारे पूरे आहार नाल पाए जाते हैं, जिसमें आहार नाल में क्या होता है हमेशा ये नीचे की ओर गति करता है, क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है। इसी वजह से देखिए जब हम खाना पीना खाने के बावजूद हम उलटते पलटते हैं, जो बच्चे कूदते फांदते उलटते हैं उनमें भोजन मुख के द्वारा वापस नहीं निकलता है,
ठीक क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये क्रमानुकुंचन गति होती है और पूरा भोज्य पदार्थ स्टमक पहुंचता है, स्टमक के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदादार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, रासायनिक पाचन क्या होता है? इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस विकर या एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक पाचन होगा, याद रखिएगा, तो रासायनिक पाचन जो होता है बच्चों, रासायनिक पाचन में क्या किसका कार होगा? एंजाइम्स का। किसका होगा? एंजाइम्स का कार होगा। ठीक है, एंजाइम का कार होगा। और इसमें एंजाइम क्या करेंगे? जो हमारे पास भोज्य पदार्थ है, जैसे मान लो हमारे भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको इस रूप में हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? अवशोषित नहीं करती। ये क्या करेंगी? तो इसमें जो एंजाइम होगा, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर किस में बदल देगा बेटा? ये बदल देगा इसको ग्लूकोज में। ठीक है, और फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज का क्या हो जाता है? शरीर के द्वारा अवशोषण हो जाएगा कोशिकाओं के द्वारा, और जो अवशोषण होगा उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें ऊर्जा मिलेगी कार्य करने के लिए। अब जब भोज्य पदार्थ मुख गुहिका में पहुंच चुका है, तो मुख गुहिका से कहां पहुंचा वो भोज्य पदार्थ? ग्रास नली में, जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। याद रखना बच्चों कि ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते। पाचक एंजाइम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का संवहन ही, अर्थात भोज्य पदार्थ को मुख से लेकर कहाँ पहुंचाना है? स्टमक तक। इसमें क्रमानुकुंजन गति के कारण भोजन को आगे की ओर धकेला जाता है। फिर हम पहुंचते हैं कहाँ? स्टमक में। पाचन कहाँ होता है आपके? स्टमक में, अर्थात अमाशय में। तो अमाशय एक थैलेनुमा भाग होता है, जिसमें एक बार अंतर्ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित हो जाने के बाद अमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां द्वारा जठर रस का श्रावण होता है। ठीक है, कौन से रस का? जठर रस का। कहाँ श्रावण होता है? अमाशय में, अर्थात स्टमक में। जठर रस में 90-97% से 99% तक भक्त जल होता है। 0.02 से 0.05 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है सीएल। पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। इनका पीएच 2.3 से 5 के बीच होता है और यह अम्लीय होता है। यहीं पर आप देखिए, जो आपके ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन किसको तोड़ेगा बेटा? ये पेप्सिन जो होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन, किसको? भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और रेनिन जो होता है, याद रखिएगा, रेनिन ये दूध को पचाने का काम करता है। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम, जैसे जठर लाइपेज, ये जो लाइपेज होता है, लाइपेज ये किसको पचाने का काम करेगा? ये पचाने का काम करेगा फैट को। किसको? फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पेट में कई सारी जठर रस, कई सारे एंजाइम्स होते हैं जठर रस में, जो भोज्य पदार्थ को पचाने का कार्य करते हैं। अब ये भोज्य पदार्थ अमाशय में पचने के बाद कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। लेकिन अमाशय में पाचन अभी बाकी है बच्चों, तो अमाशय में ये तो हो गया जठर रस की वजह से। इसके बाद देखिए और भी इसमें होना है। अब बच्चों, जो भोज्य पदार्थ था, वो भोज्य पदार्थ देखिए कहाँ से? स्टमक से, है ना। ये आपका क्या होता है? ऐसा कुछ स्टमक था, स्टमक से कहाँ पहुँचा? आप पहुँच रहा है आपके छोटी आंत में। ये आपका ड्यूडनम है और ये आपके क्या है? छोटी आंत में पहुंच रहा है स्टमक से। तब देखिए छोटी आंत में जो यहाँ पर आ रहा है भोजन, अब इसमें क्या होता है इसको आप लोग देखते हैं ध्यान से। तो बच्चों, जो ये छोटी आंत में भोज्य पदार्थ पहुंच रहा है, तो इसमें पाचन क्या होगा? कि हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहिका तथा प्रोटीन का वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत का अग्रभाग, जिसे हम लोग ड्यूडनम कहते हैं, जो ग्रहणी कहलाता है, ये में यकृत से पित्तरस एवं अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। अब देखिए जो चित्र बनेगा, कुछ चित्र इस प्रकार से आपका बनेगा कि आप ये जो आपके आंत का जो अग्रभाग, जिसे ड्यूडनम कहते हैं, वहां पर अमाशय से क्या, वहां पर क्या, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और लीवर से, लीवर में क्या होता है? यहाँ कुछ पित्त थैली होती है, तो पित्त थैली से पित्त रस, और यहाँ पे क्या होगा? अग्नाशय होता है, और ये आपका क्या है? स्टमक है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आपका आंत आती है नीचे की ओर। तो यहाँ से
ये क्या है, पित्ताशय है, ये यहाँ क्या है, पित्ताशय है। और आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ जो हमने चित्र बनाया है, ये चित्र क्या है, अग्नाशय है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, पित्ताशय से पित्ताशयी रस, ये दोनों मिलकर कहाँ आते हैं, ये ड्यूडेना में मिलते हैं, ग्रहणी मिलते हैं, और यहाँ उपस्थित प्रोटीन, वसा तथा अन्य भोज्य पदार्थों के पाचन में सहयोग करते हैं। अब ये देखिए बेटा, जैसे ही ड्यूडेनम में ये पित्त रस आके मिलता है, तो आप जानते हैं पित्त रस का जो नेचर होता है, पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है पित्त रस का। अब अभी तक हमारे स्टमक में जो भोज्य पदार्थ था, उस जिसका पीएच 2.5 से 3 के आसपास था, उसका क्या हो जाएगा, पीएच वो अम्लीय भोज्य पदार्थ हो गया था। तो अब पित्त रस क्या करेगा, जीवना में मिलेगा तो उस भोज्य पदार्थ को क्या बना देगा, क्षारीय माध्यम बना देगा। पित्त रस में लगभग 92% जल होता है। कितना जल होता है, 92%, और 6% तक लवण होते हैं, बाइल साल्ट, और 0.3% पित्तवर्णक बाइल पिगमेंट होते हैं, जिसमें 0.03 से 0.9 कोलेस्ट्रॉल, 0.3% लेसिथिन तथा 1% वसा अम्ल होता है। पित्त रस का जो मुख्य कार्य है, वह वसा का इमल्सीकरण करना होता है तथा अमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। पित्त रस का रंग क्या होता है, हल्का हरा पीला पित्तवर्णक होता है, जिसको हम बिलरुबिन कहते हैं या बिलवर्डिन के कारण होता है। उत्सर्जित मल अपच अपशिष्ट पदार्थ का रंग भी पित्तवर्णक के कारण ही होता है। तो देखिए, इसके अलावा ये जो बिलरुबिन होता है बच्चों, ये बिलरुबिन की अर्थात बिलरुबिन की खराबी कारण ही क्या होता है, पीलिया नामक रोग हो जाता है। जब आपके शरीर में ये बिलरुबिन बढ़ जाता है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। अब याद रखिएगा, पित्त रस हल्के हरे तथा पीले रंग का होता है और यह भोज्य पदार्थ को क्षारीय बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो पित्त रस के बाद जब भोज्य पदार्थ क्षारीय हो जाएगा, तो क्षारीय भोज्य पदार्थ होने के बाद इसका अवशोषण आंतों के द्वारा सुगमता से हो जाता है। जो अब भोजन अमाशय से निकल कर कहाँ पहुंचा है, आपके छोटी आंत में, छोटी आंत के ड्यूडेनम में पित्तरस और अग्नाशय रस मिलते हैं। उसके बाद भोज्य पदार्थ का क्या होगा, अवशोषण, अर्थात जो पोषक पदार्थ होंगे आपके भोजन में, उनका अवशोषण कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य की छोटी आंत का मध्यांत्र एवं शेषांत्र का आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर विलाई, ये है आपका विलाई। ठीक है, विलाई में रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है। यह रसांकुर के मध्य भाग में आच्छीरवाहिनी या लैक्टियल्स नामक लसिका कोशिका उपस्थित होती है। इसमें से लसिका कोशिकाएं वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, अर्थात आपके भोजन में जो भोज्य पदार्थ पाए जा रहे, जो पोषक पदार्थ पाए जा रहे थे, उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे अवशोषण हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले अवशोषण किसका हो रहा है, वसीय अम्ल का, फैटी एसिड का, तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। किसके माध्यम से, लैटियल्स नामक लसिका कोशिका के माध्यम से। अर्थात जितने भी आपके यहाँ पे ये विलाई पाए जा रहे, विलाई क्या करेगी, भोज्य पदार्थ के अवशोषण के लिए बहुत सारा जगह या अच्छा जगह, बहुत ढेर सारी जगह बनाती है, जिससे भोज्य पदार्थ इससे अवशोषित होकर हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचते हैं, जहां पर जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो एक बार आप लोग चित्र को ध्यान से देख लीजिए कैसे ये कार्य करता है। इसमें देखिए, श्लेष्मा म्यूकस होता है, जो नीचे की एक परत वाली है, ये क्या है, आपके श्लेष्मा म्यूकस दिखा रही है। चूसक कोशिकाएं, अब याद देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ उपस्थित, आगे आगे की ओर चूसक कोशिकाएं हैं, फिर आच्छीर वाहिनी है, फिर लसिका धमनी सिरा तथा सिराएं हैं, सिरा जाल है, अधा श्लेष्मिका सब म्यूकोसा है, वसी अम्ल है, रुधिर अम्ल और ग्लूकोज। तो ये यहाँ पे छोटी कोशिकाएं मिली है इस जगह पर, ये जगह छोटी कोशिकाएं, ये सभी क्या करती हैं, अवशोषण का काम करती हैं, और भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ उपस्थित पोषक पदार्थ के अवशोषक पदार्थों को अवशोषित करके, पोषक पदार्थों को अवशोषित करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य इन लसिका तथा धमनियों के द्वारा होता है। देखिए बच्चों, जब ये भोज्य पोषक पदार्थों का अवशोषण शुरू हो जाता है छोटी आंत में, तो वहां देखिए और क्या होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्लों के अंतिम उत्पादों का अवशोषण
रसांकुरों में उपस्थित रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो जो हमारे विलाय में उपस्थित थे रसांकुर अर्थात माइक्रो विलाय में जो रुधिर कोशिकाएं थी, उन रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्लों के अंतिम उत्पादों का अवशोषण होता है। आहार नल के सभी भागों में रुधिर एकत्रित होकर यकृत निवाहिका सिरा हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा यकृत तक पहुंच जाता है। अर्थात पचित भोजन अवशोषण के पश्चात रुधिर के द्वारा पहले कहाँ पहुँचता है, यकृत में, लीवर में पहुँचता है, जहाँ कुछ पदार्थों का संचयन एवं कुछ को कोशिका के उपयोग में आने लायक बनाया जाता है। इसके पश्चात रुधिर लसिका तथा ऊतक द्रव्य भोजन भोज पदार्थ को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, भोज पदार्थ को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रुधिर तथा लसिका करता है। और भोज पदार्थों को संचयन कहाँ हो रहा है बच्चों? यकृत लीवर में हो रहा है। ठीक है, अधिक मात्रा में आए हुए अमीनो अम्ल को अमोनिया तथा यूरिया में तथा जो अमीनो अम्ल अर्थात प्रोटीन की मात्रा यदि आपने ज्यादा ग्रहण कर ली है तो उसमें अमीनो अम्ल और क्या उसमें क्या अधिक मात्रा में अमीनो अम्ल जो होता है वो अधिक मात्रा में होगा जिससे किसमें अमोनिया और यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा आवश्यकता से अधिक शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है। अर्थात आपकी बॉडी में आपने जो भोज पदार्थ में यदि ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा ज्यादा कर ली है तो उस शर्करा को यकृत मतलब लीवर अपने पास संचित कर लेगा ग्लाइकोजन में बदलकर, जिससे रुधिर में भोज पदार्थों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगर रुधिर में यही ग्लूकोज खाने के बाद बढ़ जाता है तो उनका शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो भोज पदार्थों का बैलेंस बना रहता है जिसमें लीवर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अब देखिए बच्चों, भोज पदार्थों का अवशोषण माइक्रोविलय अर्थात रसांकुरों से जो हो गया है, अब उन भोज पदार्थों में जो पोषक पदार्थ को अवशोषित किया गया उन अवशोषित पोषक पदार्थों का क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, एसिमिलेशन होता है। अर्थात पाचन के पश्चात जटिल भोज पदार्थों को अत्यंत सरल एवं जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, जब पाचन हो गया तो जो जटिल भोज पदार्थ थे वो टूट कर छोटे भागों में हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? सरल भाग सरल हो जाएंगे तथा जल में विलय हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीव द्रव्य से इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। अर्थात जब ये जल में विलय हो जाएंगे तो कोशिकाओं के जीव द्रव्य द्वारा इन्हें स्वांगीकृत कर लिया जाता है अर्थात इनको मिला लिया जाता है। अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं के आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब जैसे ही ग्लूकोज उस जलीय विलयन में जो बना होगा ग्लूकोज, वो ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा? कोशिका के माइटोकांड्रिया में और वहाँ ऊर्जा का उत्पादन करेगा तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं जो कोशिकाओं के निर्माण मरम्मत वृद्धि आदि में काम आते हैं। अब ये जब जलीय विलयन बन जाएगा तो उसमें से देखिए ग्लूकोज से क्या मिल रही है हमें बच्चों? ग्लूकोज से हमें प्राप्त हो रहा है ऊर्जा। ग्लूकोज से प्राप्त क्या होगा? ऊर्जा, है ना, एनर्जी, एनर्जी मिलती है। और वहीं पे अमाइनो एसिड से जो होता है वो क्या मिलेगा? प्रोटीन। अमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलेगा जिससे शरीर की टूट फूट, शरीर की मरम्मत की जाती है, शरीर की मरम्मत की जाती है। ठीक है बच्चों, अब शरीर की मरम्मत जब होती है तो अर्थात हम जब डेली कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ कोशिकाएं हमारी टूटती रहती हैं और कुछ न कुछ सेल्स टूटते रहते हैं जिनका मरम्मत प्रोटीन के द्वारा हो जाता है जो अमीनो अम्ल भोज पदार्थ के माध्यम से आपके शरीर में गया है। अब इसका आखिरी होता है पोषण, पाचन का आखिरी भाग है मल परित्याग या बहिक्षेपण, इजेशन। तो अवशोषण के पश्चात अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं जिनका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो जाता है। अब अपचित पदार्थ को जब हम शरीर में अंदर रखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? पॉइजनस हो जाएंगे। ठीक है, वो पॉइजन बना लेंगे बेटा, और जो पॉइजन बन जाता है तो हमारे शरीर क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। अतः मानव गुदा द्वारा इसका बहिक्षेपण इजेशन कर दिया जाता है। तो जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें हो सकता है कि अपचित भोज्य पदार्थ में ऐसे ऐसे भी पदार्थ हो जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर आपका पोषण समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर जैव प्रक्रम का पहला भाग था पोषण, ये यहाँ पे आके समाप्त होता है। आप लोग इसे ऐसे ही लिख लीजिए और हमें हम कॉपी दिखा दीजिए और चेक करा लीजिए।
धन्यवाद प्यारे बच्चों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए, जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें हम आपको जो अभी बता रहे हैं बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि जो पोषक पदार्थ या जो हमने पोषण आपको पढ़ाया, ये जैव प्रक्रम का भाग था। किसका था? जैव प्रक्रम का भाग था। जैव प्रक्रम का ये पहला भाग था, क्या? पोषण। ठीक है बच्चों। अब इस पोषण में हमने आपको दो तरह का पोषण बता दिया था। तो जिसमें पहला जो हमने आपको बताया पोषण, उसमें हमने आपको स्वपोषी जीव के बारे में बताया। किसके? स्वपोषी जीव के बारे में बताया। फिर परपोषी जीव के बारे में बताया। तो ये हो जाएगा आपका स्वपोषण, और यहां हो जाएगा परपोषण। अच्छा, परपोषण में ही हमने आपको मानव में पोषण पढ़ाया। ठीक है, मानव में पोषण मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया है। और आज ये बहिक्षेपण के साथ, किसके साथ बच्चों? बहिक्षेपण के साथ ये पहला पार्ट क्या हो जाता है? बहिक्षेपण के साथ ये कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हुआ। ठीक है, आपको यदि इसमें से संबंधित जो कुछ भी देख पूछना हो या जो कुछ भी देखना हो, उसे आप क्या करेंगे? उसे आप लगातार हमारे कई वीडियो गए हैं, डाले गए हैं, उन वीडियो को। अब हम आपसे एक आशा ये करते हैं कि जब हम आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिए हैं, तो इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद आप लोग एक काम ये करें कि हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो शेयर और सब्सक्राइब करने पर होगा क्या कि आपके और भी जितने भाई बहन हैं, वो सब इसके इसे आसानी से पढ़ लेंगे। और आप इसे लाइक और शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे और भी लोगों को लाभ मिल सके। और आप ये वीडियो पूरा के पूरा देख के तब आप नोट्स बनाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि ऐसा एक भी चीज मैंने छोड़ा नहीं है जो आपको क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपको बताया जा रहा है और डिस्क्रिप्टिव अच्छे से बताया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।